पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद दौरे के बाद निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखने के बाद उन पर सहमति भी बन गई है। जो मांगे निर्यातकों की थी वो भी मुख्यमंत्री द्वारा मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर वार्ता करते हुए मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा गया है। उनके साथ निर्यातकों की बैठक बहुत अच्छी रही और लाभप्रद भी साबित होगी। उन्होंने बताया कि बहुत सी मांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी गई थी जो मान ली गयी। एसोसिएशन की ओर से सचिव अवधेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ट्रेड से संबंधित कई समस्याओं को उठाया, जिसमें हमने जीएसटी से मिलने वाले रिफंड के लिए कि ये रिफंड जो है 7 दिन में हमें अप्लाई करने के अंदर अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा, हमारे शहर के चारों ओर कांट रोड, रामपुर रोड, संबल रोड, दिल्ली रोड, चारों ओर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिए होने चाहिए ताकि जो हमारा शहर है वो अंदर की तरफ बसा हुआ है और हमारे जो कारीगर हैं वो अपनी सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र से पलायन करके और नए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में विकसित होने के बाद जा सकें, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि पॉल्यूशन ख़त्म होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है, तो वो सब बातें इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर ही पूरी होंगी और वो तभी पूरी होंगी जबकि इस शहर के चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ की अपनी एक डिमांड रखी। उसके अलावा हमने उनको कहा कि देखिए ये जो बिजली मिल रही है शहर को, इसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी किया, क्राइम कम हुआ है इसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी किया। तीसरे, हमारा जो सड़कें हैं वो बहुत ख़राब है जिससे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती सही से। ई वे बिल की समस्या है हमारे कारीगरों के लिए, ईरान के एक्सपोर्ट में आने वाली समस्याओं के लिए हमने उनसे कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके और इसमें जो भी राहत हम लोगों को तुरंत मिल सकती है उसको वो कराने का प्रयास करें। बैठक के अंत में सारी बातें सुनने के बाद सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सभी बातों को स्वीकार किया कि हाँ ये कमियां हैं और हम सरकार स्तर पर इनको बहुत तुरंत जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत जल्द इनका प्रयास होता हुआ दिखेगा। कि जैसे हम FAR का MDA का मुद्दा था वो बहुत समय से हमने उठाया हुआ था, उसमें भी तुरंत रिलीफ हम लोगों को दी गई। तो इसी प्रकार से हमें ये आशा है कि आने वाले भविष्य में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अगले महीने में एक बैठक होगी जिसमें शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी होंगे, उसमें भी ये सब उद्यमियों की समस्याएं जो है रखी जाएंगी कि आने वाले समय में हमारे ट्रेड का और हमारा भला होगा, ऐसी हमें आशा है।